देश में बसों मेट्रो जैसी शहरी परिवहन व्यवस्था के अभाव में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 में से 8 शहर भयानक प्रदूषण का सामना कर रहे हैं, जिससे नागरिक सेहत खतरे में है। देश में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है वो बहुत डरावनी तस्वीर पेश करता है। 2009 में भारत के लगभग 60% राज्य क्रिटिकली पोल्यूटेड की श्रेणी में थे और 2016 में ये आंकड़ा 80% से भी ऊपर जा चुका है। प्रदूषण तेजी से बढ़ता जा रहा है और आम लोगों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव सामने आना शुरू हो चुके हैं। साथ ही देश भर में गाड़ियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। भारत के पहले 100 मिलियन वाहन आने में 60 साल लगे और उसके बाद अगले 100 मिलियन सिर्फ 6 साल में आ गए। इसके बावजूद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी का लगभग 77% हिस्सा अभी भी सार्वजनिक परिवहन या साइकिल का इस्तेमाल करता है। CSE की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुमिता रॉय चौधरी का कहना है कि इसके बावजूद देश में सार्वजनिक परिवहन के हालात लचर हैं और आने वाले समय में इसके बदतर होने की संभावना है। Public transport ridership is going to fall dramatically by 2030 if nothing is done about this. Now that's where the problem is. इनका ये भी कहना है कि सार्वजनिक परिवहन से लोगों के घर या ऑफिस तक पहुंचने के साधन कम हैं। Investment in public transport is still limited, but even what is happening, whether it's a metro system, whether it's a BRT system, whether it's a bus system, what it truly means is that even after setting up those systems, we have not worked out any strategy to ensure that we increase their ridership. And there was a paradox to that. At one level, travel demand is increasing and is explosive, but at the same time, public transport providers are in the red. They are broke. साथ ही सरकार सार्वजनिक परिवहन पर जो पैसा खर्च रही है वो ठीक तरह से नहीं किया जा रहा है। देश में पहले ही सार्वजनिक परिवहन की कमी है, ऊपर से फंडिंग की कमी, सही प्राइसिंग स्ट्रेटजी का अभाव और इम्बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट्स की वजह से हालत काफी खराब है और इसका एक बड़ा नतीजा ये है कि देश के शहर प्रदूषित हैं और नागरिक बीमार। साधिका तिवारी, गो न्यूज़।